देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। शेल कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए आज 2 लाख से ज्यादा कंपनियों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि 2,09,000 कंपनियां रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से डीलिस्ट हुई। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट ने बैंकों को इन कंपनियों के बैंक खाते सीज करने का निर्देश दिया, यानी कि इन कंपनियों के डायरेक्टर और अधिकारी कंपनी के बैंक खातों को ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। इन अधिकारियों का कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं होगा, यानी कि अब ये कंपनी के मौजूदा अधिकारी नहीं रहेंगे। इन कंपनियों की पूरी लिस्ट कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर है। हम आपको याद दिला दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया था कि 2.25 लाख शेल कंपनियों पर सरकार ने ताला लगा दिया है। हम आपको बता दें, शेल कंपनियां वो कंपनियां होती है जो फर्जी नाम से यहां पर चलाई जाती है। टैक्स की बचत इसके जो ओनर्स होते हैं वो इसमें करते हैं, और नकली कंपनियां भी आप शेल कंपनियों को कह सकते हैं। तो शेल कंपनियों कंपनियां जो हैं ये ब्लैक को व्हाइट करने का काम करती है, यानी कि ब्लैक मनी जो इनके पास होती है उसे व्हाइट करने का काम ये शेल कंपनियां करती है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि हमारी नजर शेल कंपनियों पर रहेगी, तो 2,09,000 कंपनियां जो है वो यहां पर डीलिस्ट हो गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपू राय ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। दीपू, क्या कुछ और खबर आपके पास है? हालांकि 2,09,000 कंपनियों को डीलिस्ट किया गया है, ये कोई छोटा नंबर्स नहीं है। बिल्कुल अनिया, सबसे बड़ी बात यह कि ये 2,09,000 जो कंपनीज हैं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक जो विंग है, जिस डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसको बोलते हैं, सारे बैंकिंग डिवीजन देश भर के उसके अंदर में आते हैं, उसने एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं उनको एक आदेश दिया है कि आप ऐसे किसी भी डायरेक्टर्स को जो इस तरह के स्ट्रक ऑफ यानी कि डिलिस्ट हुई कंपनीज हैं उनको कोई लोन नहीं देंगे, उनको किसी भी तरह का अकाउंट ऑपरेट करने की इजाजत नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि ये जो नंबर्स हैं 2.09 लाख जो कंपनीज के स्ट्रक ऑफ जो हुई हैं, मिनिस्ट्री आरओसी ने जिसको किया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने, इन्होंने कोई रिटर्न नहीं भरा था, इन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। अब सवाल यह है कि क्या ये सारी की सारी शेल कंपनी है या एक लंबे प्रोसीजर में भी स्ट्रक ऑफ होती रहती है कंपनियां, क्योंकि आप जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस रिलीज को देखेंगी तो उसमें लिखा गया है कि अगर जो एनसीएलटी है या कंपनी एक्ट है वो दोबारा से रिस्टोर करता है तब ये सारे डायरेक्टर फिर से स्मूथली अपना काम करने लगेंगे। लेकिन उन्हें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है तुरंत का, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी डायरेक्टर्स हैं वो अगर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते या झूठा स्टेटमेंट दिए हैं, इस तरह के जो स्ट्रक ऑफ कंपनीज हुई हैं उनको वो पनिसेबल एक्ट अफेंस माना जाएगा, वो फ्रॉड माने जाएंगे और उसके लिए उनको बड़ी कीमत चुकानी होगी। सवाल आप दूसरा ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर 1.75 लाख कंपनीज के शेल कंपनी होने की बात कर रहे थे, उसमें से कितनी इस 2.09 लाख कंपनीज में शामिल है ये देखने वाली बात है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहीं भी अपने रिलीज में शेल कंपनी का जिक्र नहीं किया है। लेकिन इसने जरूर कहा है कि ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए या बाकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गलत तरीके से हो रहे थे उसके लिए ये कदम उठाया गया है और बैंक से कहा गया है कि आप ऐसे डायरेक्टर्स को जो इसमें इंडल्ज हैं, दूसरा उसमें कभी भी आप नई कंपनीज के लिए डायरेक्टर कभी भी कोई आवेदन नहीं दे सकते। अगर आवेदन देंगे जिस भी कंपनी में तो इनके उस कंपनी का एक तरह से आवेदन ही खारिज कर दिया जाएगा। तो ये नए डेवलपमेंट अभी हो रहे हैं। ठीक है दीपू, लगातार आप जी बिजनेस पर ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाते भी रहे हैं। हमारे साथ डीएस सक्सेना साहब हैं, एक्स प्रिंसिपल हैं सीसीआईटी के, जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है सर? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करने वाली इन शेल कंपनियों पर सरकार सख्ती अपनाएगी और 1,75,000 कंपनियां यानी कि करीब करीब 2.25 लाख का जो नंबर उन्होंने दिया था, आज 2,09,000 कंपनियों को यहां पर डीरजिस्टर कर दिया गया है। एक कालेधन के खिलाफ जो मुहिम है इसमें एक बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि अगर इनके बैंक अकाउंट चालू रहने दिए जाएंगे तो ये जो अपनी ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग का जो काम कर रहे थे ये आगे भी करते रहेंगे।
तो ये एक बहुत जरूरी कदम है। और जहां तक चीन को डायरेक्टरशिप से करने का कदम है कि ये आगे किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वही कुछ लोग हैं जो बार बार नई कंपनी बनाते हैं और वो कंपनियां भी कंपनी का काम करते हैं। अगर आप देखें सैकड़ों हजारों कंपनी का होता है, उनमें एक ही लोग होते हैं और एक्टिविटी करते हैं, जो एक्टिविटी होती है वो ब्लैक लॉन्ड्रिंग की होती है। तो ये अच्छा कदम है और जरूरी कदम है, क्योंकि वरना ये लोग फिर से अपने लगेंगे और मतलब हम लोग फिर से सक्सेना साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। इसमें कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है, जो एक तरह से एडवाइजरी है, उसमें कहा गया है कि ये कंपनियां दोबारा रिस्टोर भी हो सकती हैं लीगल बैटल के बाद। तो सवाल ये है कि ये जो सारी कंपनियां स्ट्रक ऑफ हुई हैं, क्या सारी की सारी शेल कंपनीज हैं? ऐसा 100% जरूरी नहीं है, लेकिन 99% जरूर ये शेल कंपनीज होंगी और ये रिस्टोर तब होंगी जबकि ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में अभी सेक्शन 252 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपील करेंगे और अपील में दिखाएंगे कि ये कंपनी एक्टिव नहीं थी और शेल कंपनी नहीं थी, तभी इन कंपनियों को रेस्टोर किया जाएगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं है, इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये लोग जो हैं कुछ जेन्युइन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तभी ये लोग रेस्टोर हो पाएंगे। सक्सेना साहब, एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि आपने जैसे खुद ही कहा यहाँ पर कि ये जो लोग हैं ये दोबारा इस तरह की कंपनियां बना सकते हैं। चलिए अभी तो सरकार कड़ी कार्रवाई शेल कंपनियों पर कर रही है, 2,09,000 का जो ये नंबर सामने आया है, आपने खुद कहा कि हो सकता है 90% 95% कंपनियां इसमें से शेल कंपनियां हो सकती हैं। सर ये लोग जो इन कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं, दोबारा इस तरह की शेल कंपनीज फॉर्म ना करें, आपको क्या लगता है किस तरह के स्टेप्स और मेजर्स लेने की जरूरत है? ये मेजर्स जो हैं ये अभी लिए जा चुके हैं, क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो ये जो प्रेस रिलीज है, इसमें कहा गया है कि इन लोगों को जो है वो डिबार किया जाएगा फिर से किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर बनने से। जी, तो इस प्रकार से ये लिया जा रहा है और ये लोग दोबारा इस तरह की कंपनियां नहीं बना पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सक्सेना साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। और साफ है कि सरकार शेल कंपनियों पर अब कड़ी नजर यहां पर रखे हुए और कड़ी कार्रवाई भी आगे करेगी। देखिए, शेल कंपनियों को लेकर जी बिजनेस ने पड़ताल की। 31 अगस्त को हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि कैसे एक ही पते पर कई कंपनियां ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो किसी कंपनी का नामो निशान नहीं था। देखिए, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3,00,000 कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती। लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री ने जब फर्जी कंपनियों पर ये आंकड़ा दिया था तो हर किसी को हैरानी हुई थी, लेकिन जी बिजनेस ने अपनी पड़ताल में पाया कि हालात इससे भी कहीं बदतर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हमें ऐसे पते मिले जिनमें एक या दो नहीं 800 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड थी। देश की राजधानी दिल्ली में आयकर विभाग के दफ्तर के ठीक साथ के प्रमाइसिस पर एक साथ 468 कंपनियां रजिस्टर्ड थी और उन कंपनियों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो सारी कंपनियां शेल कंपनियां थी और उन कंपनियों के नाम को देखकर ऐसा लगता है कि देश के एक बड़े रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हुई ये सारी कंपनियां थी। पता 1E झंडेवालान एक्सटेंशन, करीब 24 साल इस बिल्डिंग में ताज सिनेमा चलता था, बाद में वो बंद हो गया, फिर एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने इसमें अपना दफ्तर खोला। कुछ दिनों बाद वो दफ्तर बंद हो गया, लेकिन आज भी इस खस्ता हाल बिल्डिंग के पते पर 468 शेल कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। पहले पिक्चर और जब था जब ऑफिस नहीं थे,
उसके बाद डीएलएफ वालों का ऑफिस आए हैं, अब ऑफिस वगैरह अब कुछ नहीं, अब चले गए, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ढेर सारी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, मतलब उनके नाम पते यहीं पर हैं, तो ये इमारत अब टूटने वाली है। ऐसी स्थिति में क्या आपने कभी यहाँ कंपनियों को चलते हुए देखा है? नहीं जी, मैंने कोई कंपनी नहीं थी, ऐसे बंद ही है ये। डीएलएफ की बिल्डिंग है सर, और काफ़ी ऑफिस होते थे यहाँ पे पहले, अब तो 2-2.5 साल से खाली पड़ी हुई है बिल्कुल ही। पहले पिक्चर हॉल होता था यहाँ पे, नाच सिनेमा, वो भी काफ़ी टाइम से बंद है। पहले बिल्डिंग इनका ऑफिस होते थे काफ़ी ऊपर सारे, अभी तो कोई दिखाई देता नहीं हमें। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के दस्तावेजों के मुताबिक 2015 में इस पते पर 468 कंपनियां रजिस्टर्ड थी, इनमें से ज्यादातर साल 2007 में रजिस्टर्ड हुई थी। हालांकि नोटबंदी के बाद ये संख्या घटकर 245 रह गई। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 111 कंपनियों का ईमेल एड्रेस भी एक ही है। अब इस बिल्डिंग को देखिए, पता 62/63 एम ब्लॉक मार्केट, कनाट प्लेस। मार्च 2015 तक इस इमारत से 405 शेल कंपनियों के रजिस्टर्ड होने की बात सामने आई है। पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची तो यहां मौजूद गार्ड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। 62/63 में जो सरकार के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक लगभग 400 से ज्यादा कंपनियां सिर्फ इसके फर्स्ट फ्लोर के 20x20 के स्पेस पे रजिस्टर्ड थी। तो कुल मिलाकर इन सारी कंपनियों के बारे में सरकार की तब जानकारी क्यों नहीं लगी जब इससे गतिविधियां सस्पिशियस गतिविधियां चल रही थी। लेकिन कुल मिलाकर अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक 400 से ज्यादा कंपनियां और एक इन जो 20x20 का ये स्पेस है, ये स्पेस दिल्ली के एक बड़े रियल एस्टेट का दफ्तर है और ये सारी कंपनियां इस रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हुई हैं। गौर करने की बात ये भी है कि झंडेवालान एक्सटेंशन की बिल्डिंग 1E के बगल में ही इनकम टैक्स ऑफिस का दफ्तर भी है, फिर भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। MCA के साल 2015 के डेटा के मुताबिक कुल कंपनियों की तादाद 272,000 से ज्यादा थी, इनमें से 1,718 कंपनियां दिल्ली के पतों पर रजिस्टर्ड है। हाल ही में एक फाइनेंशियल एजेंसी ने 16,794 शेल कंपनियों के बारे में आगाह किया था। ये लिस्ट CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ED और SFIO जैसी एजेंसियों ने तैयार की थी। जी बिजनेस के इस खुलासे से साफ है कि अगर राजधानी दिल्ली में फर्जी कंपनियों का धंधा चल रहा है तो देश के दूसरे हिस्सों में भी ये फर्जीवाड़ा जरूर हो रहा होगा। दीपू राय के साथ संतोष कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।